गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है एक बार आप सबका मेरे चैनल में। तो अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं और उस सीरीज़ में मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि मुझे डायबिटीज़ होने के पहले मैं क्या खाता था। तो यही चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। एक दिन आपको दिखाया था कि मैं पराठे खाता था सुबह उठ के। आज मौसम बहुत अच्छा है, रात को बारिश हो गया था और मैं आज लेट से उठा, साइकिलिंग भी नहीं गया आज। इनफैक्ट डायबिटीज़ होने के पहले मैं काफ़ी सीडेंट्री लाइफ जीता था, मैं बिल्कुल साइकिलिंग नहीं करता था, गोल्फ़ नहीं खेलता था, कुछ भी नहीं करता था इनफैक्ट। तो यही लाइफ मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आज मैं अभी 9 बजे उठा हूँ, 8:30-9 बजे मैं उठता था सो के। और ये देखिए, सुबह सो के उठने के बाद ही मेरा नाश्ता किया होता था। तो मेरे पास ये जैम है, मिक्स्ड फ्रूट जैम, ठीक है, और 4 स्लाइस ब्रेड, ये देखिए 4 स्लाइस व्हाइट ब्रेड है। और शायद ये भी कम पड़ जाता था कई बार, इसके बाद फिर से भूख लगता था तो दोबारा से मैं 2-3 पीस और खा लेता था। तो अभी आप लोग को दिखाने के लिए ये खा रहा हूँ कि ये 4 पीस व्हाइट ब्रेड है, 1 कप चाय है, इसमें मैंने चीनी डाला है, कोई स्टीविया और कुछ नहीं डाला है, तो ऐसे ही पीता था मैं। तो जैम लगाता हूँ पहले और ब्रेड खाता हूँ, और जैम के बारे में भी बताऊँगा, शायद आप लोग भी ऐसे ही खाते होंगे अभी। ये देखिए जैम, बहुत टेस्टी लगता है जैम खाने में, पाइनएप्पल जैम भी आता है। अभी तो पाइनएप्पल जैम नहीं है मेरे पास, वैसे मैं पाइनएप्पल जैम भी बहुत पसंद करता था। लेकिन आखिर ये जैम में होता क्या है, ये आपने कभी सोचा है, इतना टेस्टी क्यों लगता है जैम, ठीक है, ये सोचना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इतना टेस्टी क्यों होता है और इसमें होता क्या है एक्चुअली। तो पहले मैं जैम लगा लेता हूँ, खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, जिसको भी डायबिटीज़ नहीं है वो ऐसे ही खाता है जितना मुझे मालूम है, हर दिन वो कुछ ना कुछ अलग। तो जैसे उस दिन दिखाया था मैंने कि मैं पराठे खा रहा हूँ और आज मैं नाश्ते में, ठीक है, सुबह उठ के हमें नाश्ता चाहिए, तो ये जैम लगा लिया मैंने, अब खाऊंगा इसके साथ। अगर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इसमें एक सर्व में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 10.6 ग्राम और जिसमें शुगर है 10.3 ग्राम। तो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स देखूं तो सबसे पहला दूसरा तीसरा इंग्रेडिएंट देखना ज़रूरी है और वही चीज़ सबसे हाई मात्रा में होता है। तो अगर मैं इन्ग्रीडियंट्स देखूँ तो इसमें शुगर है सबसे पहला शुगर, उसके बाद मिक्स फ्रूट पल्प ब्लेंड और भी काफ़ी चीज़ है इसमें, तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला इंग्रेडिएंट वो है शुगर, तो यानी कि ये चीनी है। आप समझ लीजिए एक सर्व मैंने लिया तो ये एक सर्व हो गया, ये एक सर्व हो गया, ठीक है, एक सर्व यानी कि आपका 15 ग्राम, तो इसमें 15 ग्राम, इसमें 15 ग्राम मैंने लगाया है। थोड़ा सा और लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना ज़्यादा मीठा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। इसमें भी लगा लेते हैं, ये लो भाई, थोड़ा ये देख लो कैसे लगा रहा हूँ, जितना ज़्यादा मीठा रहेगा उतना खाने में अच्छा लगेगा, ये लो, ठीक है, ये भी लगा लेता हूँ। और ये कभी आज तक पीछे मैंने देखा नहीं था इंग्रेडिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होता है, कभी देखने की इच्छा भी नहीं हुई कि क्या होता है और जानता भी नहीं था, बस ये था कि टेस्टी होना चाहिए। अब खा के बताता हूँ टेस्ट है कि नहीं। वाह, बहुत ही बढ़िया, मैं बैठा हूँ अपने टेरेस गार्डन में और कल रात को बारिश हो गया था तो आज थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फिर भी ह्यूमिड है और काम बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैं रात को काम करता रहा, मैं गया नहीं कहीं साइकिलिंग करने के लिए। और यूजुअली जब मुझे डायबिटीज़ नहीं था तो ऐसा ही लाइफ था, ऑफिस में काम करता था, रात भर काम ही करता रहता था, 2-3 बजे सोता था, उसके बाद सुबह आराम से 8-9 बजे उठता था, फिर ये ब्रेकफास्ट करता था। तो अपन का लाइफ ऐसा था भाई, मुझे नहीं मालूम कि आपका लाइफ ऐसा है या नहीं है। अगर आपका लाइफ भी ऐसा है और आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है, आपका तोन निकला हुआ है,
तो आपको आने वाले समय में डायबिटीज होने वाला, ये मेरा प्रिडिक्शन है। और मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप लोग डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, डायबिटीज़ आपको हो ही ना, तो ये सारे चीज़ बदलना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको डायबिटीज़ है और अभी भी ये सब खा रहे हैं, सुधर जाइए। किडनी डैमेज हो गया, रिवर्स नहीं कर सकते। आँखों का रोशनी चला गया, वापस नहीं ला सकते। सच बता रहा हूँ, अगर आपके सारे नर्व वगैरह डैमेज हो गया, पैर काटने की नौबत आ गई, तो दोबारा नहीं आएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ के। और डायबिटीज़ होता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसी का सीरीज़ बना रहा हूँ। ये एक्सेस कार्ब, सिंपल कार्ब, शुगर, जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पूरे डिश में, पूरे ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। 50-60 ग्राम के आसपास तो कार्बोहाइड्रेट आराम से होगा, 50-60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आराम से सिर्फ इस ब्रेकफास्ट में। और फिर आप लोग सोचते हैं कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है इसलिए मुझे हो गया, मैं तो लाचार हूँ। आपको पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और आपको डायबिटीज़ है, इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स के लाइफस्टाइल भी ख़राब है, उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, सब लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर डायबिटीज़ होता क्यों है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रेड में क्या है, सिंपल कार्ब और कुछ नहीं है। और जितना ब्रेड खाएंगे, जितना सिंपल कार्ब खाएंगे आप, उतना आपको भूख लगता रहेगा। नोटिस किया आपने, हर दो घंटे में आपको फिर से भूख लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सिंपल कार्ब इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इंसुलिन को स्पाइक करता है, फिर इंसुलिन नीचे आता है, फिर दोबारा से आपको भूख लगता है। तो ये तो कुछ दिखा रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ, ये एक चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेड खाने से होता है। हो सकता है कि आप ब्रेड ना खाते हो सकता है आप पराठे खाते हो, ठीक है। तो पराठा, ब्रेड, अभी और दिखाऊंगा आगे और क्या खाता हूँ मैं। ऐसे हज़ारों चीज़ है, मैं हज़ार चीज़ तो दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ जो हर रोज़ हर कॉमन आदमी खाता है, और ब्रेड भी उनमें से एक है। शायद आप ना खाते हो, लेकिन जो लोग भी खाते हैं बंद कर दीजिए। 4 साल से मैंने ब्रेड खाना बंद कर दिया है। और ऐसा नहीं कि ब्रेड आप ऐसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, उसके बाद ब्रेड के और कुछ क्रम्बल्स बना के और ब्रेड में और कुछ बना के खा रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं, उसमें भी ये जा रहा है सिंपल कार्ब। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊं और मैं क्या खाता था पहले वो भी दिखाऊं, ताकि आप लोग मेरे इस ब्लॉग से रिलेट कर सके। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, इस तरह से गलती कर रहे, तो उसको प्रिवेंट कर सके। और डायबिटीज़ है, ठीक नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये सब खाना बंद करना पड़ेगा, तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। ये मैं आप लोग को सिर्फ अभी सीरीज़ बना रहा हूँ तो इसलिए दिखा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बहुत रेयरली खाता हूँ, कभी महीने दो महीने में एक आध बार मन कर गया तो खा लेता हूँ, अभी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लेकिन बहुत ही रेयरली, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैं पहले कैसे खाता थी, तो 4 पीस 6 पीस भी खा लेता था, कई बार भूख लगती थी तो दोबारा और 2 पीस बना लेता था। ये जैम लाना ही मैंने बंद कर दिया घर पे। तो गाइज़, इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है इस तरह के डेली ब्लॉग्स बनाने का। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
और बेल बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।